फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कंटिन्यू क्या हो रहा है कि जो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन, उनका जो नंबर है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और इंडिया में ऑलमोस्ट जो इसका नंबर है वो 3200 क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट अभी भी मार्केट में कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है? तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है एक्चुअली क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने क्या किया है, कुछ ड्रग्स को रिकमेंड किया है। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं या फिजिशियन क्या कर रहे हैं, उन ड्रग्स को यूज करके उसको जो क्या कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड पीपल है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आईसीएमआर ने कौन से ड्रग्स हैं जो रिकमेंड किए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की जो वायरस है उसका बेसिक मैकेनिज्म कि वो कैसे जो है वो सेल्स में एंटर करता है और कैसे वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वायरस की लाइफ वायरस का कि वो कैसे जो है वो सेल्स में एंटर करता है और साथ ही साथ वो कैसे जो है मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि फ्यूजन, ट्रांसलेशन, प्रोटियोलिसिस, ट्रांसलेशन एंड अदर एप्लीकेशन, पैकेजिंग एंड विजुअल रिलीज। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैं बता दूं कि जो कोरोना वायरस है स्फेरिकल शेप में है और इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो आरएनए है। तो और साथ ही साथ जो इसकी स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन क्या करती है, ये हेल्प करती है वायरस की एंट्री के लिए, ठीक है। तो जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये एक टाइप का लॉक है और जो ACE2 रिसेप्टर है ये क्या है, ACE2 रिसेप्टर, ओके। तो ये ACE2 रिसेप्टर है, ये ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन इस ह्यूमन सेल इस ACE2 रिसेप्टर के कॉन्टेक्ट में आती है तो इट्स लाइक लॉक एंड की, जैसे लॉक एंड की फिट होता है, वैसे ही क्या होता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो ACE2 रिसेप्टर के साथ फिट हो जाती है और फिर क्या होता है, जो वायरस है वो ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। अब ये ह्यूमन सेल में एंटर करने से कैसे करता है, तो ये ह्यूमन सेल में एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो ये एंडोसाइटोसिस क्या है, इट्स अ सेलुलर प्रोसेस फ्रॉम विच द फॉरेन पार्टिकल कैन एंटर इनटू द ह्यूमन सेल। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, जो ये वायरस है वो एंटर कर जाता है हमारे बॉडी सेल में। इसके बाद क्या होता है कि दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन का, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए वो बाहर आया और साथ ही साथ जो राइबोसोम है वो हेल्प करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। इसके बाद क्या होता है, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। तो थर्ड स्टेप इसका क्या हो गया, प्रोटीओलिसिस। अब जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना है ये जो है ब्रेक होता है स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या स्मॉलर प्रोटीन्स या अमीनो एसिड में बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीओलिसिस, ठीक है। अब इसके लिए एंजाइम भी चाहिए होता है, तो एंजाइम कौन सा काम करता है, वो एंजाइम है प्रोटीएज। तो प्रोटीएज क्या करता है, डिग्रेड कर देता है ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या स्मॉलर प्रोटीन्स में या अमीनो एसिड में। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम क्या करता है, लाइक इट यूजेस आरएनए एज अ टेम्पलेट एंड देन सिंथेसाइज मोर आरएनए, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज सिंथेसाइज मोर आरएनए फ्रॉम द आरएनए टेम्पलेट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप वो है ट्रांसलेशन आरएनए रेप्लिकेशन। अब क्या होता है, जो आरएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई और साथ ही क्या हुआ है, प्रोटीन भी है। तो अब क्या होता है कि जो आरएनए है, आरएनए क्या करता है, इसका रेप्लिकेशन होने लगता है और आरएनए जो है वो बहुत सारी कॉपीज बना लेता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है पैकेजिंग का और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, विजुअल रिलीज का। अब क्या होता है, जो मल्टीपल कॉपीज जो बनी है वायरस की वो रिलीज हो जाती है ब्लड में। तो हम देखते हैं कि ये तो जनरल मैकेनिज्म होगा कि वायरस कैसे एंट्री करता है और वो कैसे अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर करता है यानी कि बनाता है। अब देखते हैं जो आईसीएमआर ने जो ड्रग्स रिकमेंड किए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हालांकि ड्रग नहीं है, इट्स अ वे बॉडीज, ओके। द नेक्स्ट वन इज क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। नेक्स्ट इज लोपिनावीर एंड रिटोनावीर। फोर्थ इज रेमडेसिविर एंड द लास्ट वन इज
टोसिलिमुज़ाब। ओके तो फ्रेंड्स आईसीएमआर ने क्या किया है, इन चार ड्रग्स को रिकमेंड किया है फिजिशियंस के लिए कि आप अगर कोई भी कोविड 19 या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पीपल आए तो आप इन सबका जो ड्रग्स है उनका यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे क्या होता है कि अब पेशेंट के अंदर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर सपोज किसी के अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है तो उसके लिए जो है वो ड्रग्स दूसरा यूज किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स के बेस पे। अगर बहुत ही सीवियर सिम्टम्स है तो उसके लिए दूसरा ड्रग्स लाइक यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है एक तो पेशेंट की एज पे और उसके जो एज पे, और साथ ही साथ में क्या है कि उसका जो सिम्टम्स है वो कितना सीवियर है कितना माइल्ड है, तो उसी के बेस पे फिजिशियन क्या करते हैं उसका इलाज करते हैं। दोस्तों अब हम क्या देखेंगे कि इन पार्टिकुलर ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे एक्ट करते हैं, ये जो स्टेप्स है वायरस में, वायरस मल्टीप्लीकेशन में, और ये किस किस स्टेप्स को क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं। तो हम क्या करेंगे एक एक करके इन ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अलग ये ड्रग नहीं है, इट्स जस्ट ये क्या है एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं जो ऑलरेडी जो रिसर्च चल रही है वैक्सीन को लेके, तो उस टाइप का एक बोल सकते हैं कि हम लोग ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी क्या होता है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करती है, तो सबसे पहले क्या होता है ये जो स्पाइक प्रोटीन है ठीक है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करती है ये बाइंड कर जाती है इस स्पाइक प्रोटीन के साथ। ओके अब जब ये वायरस की स्पाइक प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी तो क्या होगा, ये जो वायरस है वो AC2 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब ये AC2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो वायरस क्या करेगा वो सेल्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, दूसरा क्या है क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। अब हम इसकी बात करते हैं, तो जो क्लोरोक्वीन होता है इसका एंटी मलेरिया ड्रग, ओके वहीं अगर बात करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की तो दिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस and for some autoimmune disease. Okay, तो आपको कोई पता है ये क्लोरोक्वीन क्या होता है, मोस्टली हम लोग इसे यूज करते हैं अगर किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है यार, तो हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो क्लोरोक्वीन यूज करते हैं। अब अगर किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसके लिए जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यूज किया जाता है एज अ ड्रग। तो अब हम बात करते हैं क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में, ये कैसे जो है इस जो वायरस की जो साइकिल है उस पर एक्ट करता है और किस किस स्टेप को ये क्या करता है ब्लॉक कर देता है। तो जैसे कि क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इसके अंदर एंटीवायरल और साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों एक्टिविटी होती है ठीक है। जो क्लोरोक्वीन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक्चुअली इसका मोड ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है OH ग्रुप का, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है उसमें जो है एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप लगा होता है, बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीवायरल की, अब क्लोरोक्वीन काम कैसे करता है, तो ये क्या करता है ये जो AC2 रिसेप्टर है ओके ओके तो क्लोरोक्वीन क्या करता है इट चेंजेस द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ AC2 रिसेप्टर एंड स्पाइक प्रोटीन्स। ओके तो क्लोरोक्वीन का क्या है लाइक टू वर्क, तो ये क्या करता है इट चेंजेस द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ दिस AC2 रिसेप्टर एंड द स्पाइक प्रोटीन। तो अगर इसका AC2 रिसेप्टर ही कोई कंफर्मेशन को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो इससे बाइंड नहीं कर पाएगा
और जो वायरस है वो सेल में एंटर नहीं कर पाएगा। तो एक मोड ऑफ एक्शन ये हो गया। दूसरा क्या होता है, इनहिबिटिंग क्विनोन रिडक्टेज। ओके, अब ये क्विनोन रिडक्टेज क्या है, ये एंजाइम है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ साइलिक एसिड। ओके, अब सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, और साथ ही साथ क्या है, ये जो है साइलिक एसिड। ओके, तो क्या होता है, ये जो क्लोरोक्वीन है ये इनहिबिट कर देता है जिस क्विनोन रिडक्टेज एंजाइम को। अब इसे इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है, जो साइलिक एसिड फॉर्मेशन होता है ये क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। अब जो ये कोरोना वायरस है ये क्या करता है, इस साइलिक एसिड को एज अ रिसेप्टर यूज करता है। जब इस साइलिक एसिड को एज अ रिसेप्टर यूज करेगा उसके बाद वो क्या होता है, ये एंटर कर जाता है। तो अगर हम इस साइलिक एसिड बायोसिंथेसिस को ही स्टॉप कर दें तो जो वायरस है वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो दूसरा क्या इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया, इनहिबिटिंग क्विनोन रिडक्टेज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ साइलिक एसिड। तो इफ वी इनहिबिट दिस क्विनोन रिडक्टेज देन व्हाट विल हैपन, दिस साइलिक एसिड इनहिबिशन विल स्टॉप। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, तो थर्ड वन ओके, तो थर्ड क्या है, जैसे ये क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या करते हैं, इट चेंजेस द पीएच ऑफ द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोजोम एंड ऑल्सो लाइसोजोम। ओके, तो क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या करता है, ये क्या करता है, जो इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो एंडोजोम लाइसोजोम विच हेल्प इन मेम्ब्रेन फ्यूजन। ओके, विच हेल्प इन मेम्ब्रेन फ्यूजन। ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, इन इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल के जैसे एंडोजोम लाइसोजोम हो गया उनका जो पीएच है उसे चेंज कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, अब उससे क्या होता है ये देख लेते हैं। अब सपोज ये एक सेल हो गया, इसमें क्या है, ये लाइसोजोम है। ओके, ये क्या है, लाइसोजोम। अब क्या हुआ, अगर इसका जो पीएच है वो चेंज हुआ, चेंज इन पीएच बाय क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ओके, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफैगोजोम। ओके, तो जैसे ही क्या होता है, जो पीएच चेंज होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल का, जैसे कि एंडोजोम लाइसोजोम होता है, देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑटोफैगोजोम, देन दिस हेल्प्स इन स्पाइक प्रोटीन। तो क्या होता है, जैसे ही
जो पीएच है वो चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफैगोसोम, देन दिस ऑटोफैगोसोम लीड्स टू द क्लेवेज ऑफ स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। ओके, अब क्या होता है अगर जो कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है अगर वही क्लीव हो जाएंगी या वही ब्रेक हो जाएंगी तो क्या होगा, जिसका जो फ्यूजन है वो ह्यूमन सेल के साथ नहीं हो पाएगा। मतलब कि अगर इसी मेम्ब्रेन इसी स्पाइक प्रोटीन को अगर ये क्लीव हो जाए तो क्या होगा, ये बाइंड ही नहीं करेगा रिसेप्टर के साथ। अब जब रिसेप्टर के साथ ये बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका एंट्री क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री मोड ऑफ एक्शन थे। पहला क्या था, बाय चेंजिंग द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ AC2 रिसेप्टर। सेकंड क्या था, बाय इनहिबिटिंग द क्विनोन रिडक्टेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस साइलिक एसिड विद व्हिच दिस कोरोना वायरस यूज एज अ रिसेप्टर। एंड द थर्ड वन इज बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ द इंटरसेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक द लाइसोसोम व्हिच देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफैगोसोम, एंड देन बाय इनहिबिटिंग कैटेप्सिन एंड देन इट क्लीव द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस सो दैट दिस वायरस कांट मेक कॉन्टेक्ट विद द AC2 रिसेप्टर एंड देन इट कांट एंटर इनटू द ह्यूमन सेल। तो ये हो गया क्लोरोक्वीन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या करता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखा होगा कि जितने भी रिपोर्ट आपने पढ़ी होंगी अभी तक जितने भी पेशेंट्स की जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है कि जो उनका इंटरलीफिन जो लेवल है यानी IL-6 जो है वो बहुत ही हाई होता है, और साथ साथ क्या होता है जो साइटोकाइन लेवल है वो उनकी बॉडी में इन्फेक्टेड पीपल की बॉडी में बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट डिक्रीज द इंटरल्यूकिन 6 levels and also reduces the cytokines level। okay, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी पेशेंट है जो भी इससे इस कोरोना वायरस से इंफेक्टेड होते हैं तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या करता है, जो इंटरल्यूकिन 6 जो रिसेप्टर है उसे इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स है वो कम होते हैं, और साथ ही साथ जो क्या होता है जो साइटोकाइन लेवल है वो भी कम हो जाते हैं। अब हम लोग ब्रॉड उसमें अगर ब्रॉड वे में देख ले तो एस क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इट इनहिबिट वायरस एंट्री स्टेप एंड ऑल्सो पोस्ट वायरस पोस्ट एंट्री स्टेप। ओके, यानी कि ये क्या करता है, जो वायरस के जो एंटी स्टेप को क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ये दोनों जो ड्रग हैं ये क्या करते हैं, जो वायरस का जो एंटी स्टेप है जिसके थ्रू क्या होता है वायरस जो ह्यूमन सेल में एंटर करता है उस स्टेप को ब्लॉक कर देता है, यानी कि इस स्टेप को ब्लॉक कर देता है। अब इस स्टेप को ब्लॉक कर देगा तो वायरस क्या है वो ह्यूमन सेल के अंदर आ नहीं पाएगा, जब वो ह्यूमन सेल के अंदर आ नहीं पाएगा तो क्या होगा वो अपनी जो है मल्टीपल कॉपीज बना नहीं पाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा जो ह्यूमन सेल्स है ह्यूमन है उसे क्या होगा इससे इन्फेक्टेड नहीं होगा, और साथ में क्या होगा जो इम्यून सेल्स होंगे जैसे नेचुरोक्लियर सेल्स हो गए या मैक्रोफेजेस हो गए वो इसे क्या है रिमूव कर देंगे क्योंकि इनका नंबर उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं लोपिनावीर और रिटोनावीर के बारे में। लोपिनावीर और रिटोनावीर। ओके, तो ये लोपिनावीर और रिटोनावीर जैसे आप लोगों को पता होगा ये क्या होते हैं, ये HIV इंफेक्शन के टाइम पे यूज होता है। अगर सपोज कोई पर्सन ऐसा ही इन्फेक्टेड है तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर जो है ये लोपिनावीर और रिटोनावीर जो मेडिसिन है उसका यूज करते हैं। अब क्या होता है ये HIV इंफेक्शन में यूज होता है। अब देखिए, अब इसका इसे क्यों आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है, अब इसका जो एलोन अगर इफ वी यूज दिस लोपिनावीर एलोन देन इट हैज नॉट दैट मच फंक्शन, वहीं अब इफ वी यूज इन कॉम्बिनेशन सपोज लोपिनावीर एंड रिटोनावीर इफ वी यूज बोथ कंबाइन देन इट इज हैविंग लाइक गुड इफेक्ट। ओके, तो व्हाट इट डज, तो इट इनहिबिट दिस प्रोटियोलिसिस स्टेप।
ओके ये जो प्रोटीलिसिस स्टेप है जिसमें क्या है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है जो लाल पॉलीपेप्टाइड चेन बना है ये ब्रेक हो रहा है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में और साथ ही साथ अमीनो एसिड्स में या स्मॉलर प्रोटीन्स में तो क्या होता है ये जो ड्रग है लोपिनावीर और रिटोनावीर इट इनहिबिट दिस प्रोटीलिसिस स्टेप। अब अगर ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड जो चेन अगर ये ब्रेक ही नहीं होगी तो क्या होगा जो वायरस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को यूज नहीं कर पाएगा और जो है मल्टीपल कॉपीज वायरस की नहीं बना पाएगा। तो अगर इस स्टेप को ये ड्रग क्या करता है ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है जो वायरस जो है वो मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाता है। ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग के बारे में। तो नेक्स्ट ड्रग क्या है फोर्थ रेमडेसिविर। ओके ओके तो नेक्स्ट ड्रग क्या है रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर क्या है इसका भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एक्टिविटी। ओके तो इस ड्रग में क्या है ये ड्रग क्या करता है इसकी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एक्टिविटी है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस मोस्टली अगर कोई भी वायरस इन्फेक्शन होता है चाहे वो कोई सा भी हो तो क्या होता है ये जो ड्रग है वो मोस्टली काम करता है। ठीक है अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एक्टिविटी है तो हाउ इट वर्क्स तो मोस्टली इट इनहिबिट दिस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके तो ये ड्रग क्या करता है इट इनहिबिट दिस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो व्हाट डिड एंजाइम डू इट मेक्स आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट आरएनए। ओके तो बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम वायरस इज एबल टू मेक मोर एंड मोर कॉपीज बिकॉज दिस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट आरएनए। सो इफ वी ब्लॉक दिस स्टेप यानी दिस एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज देन वायरस इज नॉट बीन एबल टू मल्टीप्लाई और रेप्लीकेट और मेक मोर कॉपीज। ओके तो इफ वी स्टॉप और ब्लॉक दिस स्टेप then the virus is not been able to make multiple copies. So this drug works in that way. Okay. Now we talk about the last drug. So our last drug kya hai? Tocilimuzab. ओके तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जितने भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पीपल है उनमें क्या है इंटरल्यूकिन 6 का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा है और साथ ही साथ जो साइटोकाइन्स है उसका लेवल भी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या कहता है टोसिलिमुजाब इट इनहिबिट्स इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर्स और डिक्रीज the interleukin 6 levels and also the cytokines levels. Okay, so this drug जो है इसका जो property वो similar hydroxychloroquine जैसा ही है कि hydroxychloroquine के अंदर क्या antiviral activity भी है साथ ही साथ anti-inflammatory activity भी है। जैसे क्या होता है कि जितने भी जो पीपल जो हैं वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो उनके अंदर नॉर्मली ये इंटरल्यूकिन 6 लेवल और साथ ही जो साइटोकाइन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का भी यही फंक्शन था अगर हम इन्फ्लेमेटरी वे में देखें एंड अगर हम टोसिलिमुजाब का फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन भी यही है सेम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसा ही अगर कि वो क्या करता है जो इनहिबिट जो इन्फ्लेमेटरी जो इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स है और जो साइटोकाइन लेवल्स है उसको डिक्रीज करता है। अब जितना वो ये लेवल डिक्रीज करेगा उतने ही ज्यादा जो सिम्टम्स है वो लेस होंगे। ओके अब जितने भी पर्सन है जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उनमें क्या है जो साइटोकाइन और जो इंटरल्यूकिन लेवल वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से क्या है उनका जो सिम्टम्स है वो बहुत ही सीवियर है। ओके तो ये ड्रग क्या करता है साइटोकाइन लेवल्स और जो इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स है इसको इनहिबिट करता है या इनके जो इनको क्या करता है डिक्रीज करता है इनके लेवल्स को डिक्रीज करता है। ओके तो ये एक ये नॉर्मल जो ड्रग्स है जो कि आईसीएमआर ने रिकमेंड किए थे जो 4 ड्रग और एक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो मैंने आपको बताया और ये कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है लेकिन अगर सपोज कोई भी पर्सन अगर वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो ड्रग क्या तो वो क्या करे इन ड्रग्स को अपने आप ना ले क्योंकि ये ड्रग्स लेने के लिए भी फिजिशियन आपकी एज
आपकी सिम्टम्स कितनी सेवेरिटी है या आपका सिम्टम कितना ज्यादा सीवियर है, तो उसकी बेस पे क्या होता है जो डॉक्टर्स हैं जो फिजिशियन हैं वो इसका यूज करते हैं। तो अगर आप इससे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो ये नहीं कि आप मार्केट में जाएं और आप अपने आप ही जो मेडिकल स्टोर है वहां से ड्रग खरीद लें और अपने आप यूज कर लें, तो ऐसा प्लीज आप मत करिएगा क्योंकि इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने डोजेज में खाना है और क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए या क्या क्या आपका सिम्टम कितना सीवियर है या माइल्ड है, तो किस केस में आपको ये ड्रग्स लेने हैं। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।